नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल माई गाइड में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गौतम बुद्ध जी के बारे में। दोस्तों गौतम बुद्ध जी के बारे में हम जानेंगे और इससे प्रेरित होंगे, तो चलिए दोस्तों जानते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों जानते हैं गौतम बुद्ध जी के बारे में। दोस्तों अलग अलग समय पर एक से बढ़कर एक महान व्यक्ति होते रहे, उनमें से एक थे गौतम बुद्ध जी, जिन्होंने अपने सभी सुखों को छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलना सीखा। दोस्तों उन्होंने अपने सुखों को त्याग कर दूसरों को सही मार्ग दिखाया। दोस्तों अगर ये कहें कि उन्होंने अपने महान गुणों के दम पर काफी ज्यादा परिवर्तन लाए, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। दोस्तों गौतम बुद्ध जी ने हमेशा ही सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का मुख्य स्वरूप माना है, और उन्होंने दूसरों को भी इसी राह पर चलने के लिए प्रेरित किया है। दोस्तों वैसे तो गौतम बुद्ध जी का जन्म एक राज परिवार में हुआ था, उनको किसी भी प्रकार का दुख नहीं था, लेकिन उन्होंने दिव्य ज्ञान की खोज में इन सभी सुखों को त्याग कर अपने महान विचारों को बांटते रहे, और दोस्तों इस राह पर चलकर उन्होंने भगवान का दर्जा प्राप्त किया। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से महात्मा बुद्ध जी की पूरी कहानी। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है 563 ईसा पूर्व, जब कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नेपाल के पास गौतम बुद्ध जी का जन्म होता है। दोस्तों उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था, और उनके पिता का नाम सित्तोधन और उनकी माता का नाम महामाया था। दोस्तों उस समय की परंपरा थी कि जब बच्चों का जन्म करीब होता था तो महिला को अपने मायके जाना होता था, लेकिन महारानी जब अपने मायके कपिलवस्तु आ ही रही थी तभी रास्ते में गौतम बुद्ध जी के जन्म का समय हो गया, और इसीलिए लुम्बिनी नेपाल में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ। और दोस्तों गौतम बुद्ध जी के जन्म के 7 दिन बाद उनके माता जी की मृत्यु हो गई। लेकिन दोस्तों जब गौतम बुद्ध जी को उनके राजा के पास लेके जाया गया तो उनको सभी रीति रिवाजों के साथ उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। दोस्तों इनके नामकरण के समय कई सारे साधु संत आए थे, और दोस्तों उन्होंने भविष्यवाणी की कि ये बड़े होकर एक बड़े राजा बनेंगे या एक बहुत बड़े साधु बनेंगे। और दोस्तों माँ की मृत्यु के बाद सिद्धार्थ गौतम का पूरा पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतम जी ने की, और दोस्तों सिद्धार्थ के पिता उनको बचपन से ही एक महान राजा बनाना चाहते थे, और इसीलिए उनके पिता ने उनको धार्मिक ज्ञान से काफी दूर रखा। लेकिन दोस्तों सिद्धार्थ बचपन से ही काफी ज्यादा दयालु थे, और वो किसी को भी दुख पहचाना नहीं चाहते थे, और दोस्तों यहाँ तक वो खेलते समय खुद ही हार जाते थे। और दोस्तों जब उनके चचेरे भाई ने एक हंस को तीर से घायल किया तो उस हंस की रक्षा भी सिद्धार्थ ने ही की थी। और दोस्तों ये कहानी तो आपने जरूर ही सुनी होगी, और दोस्तों यही सभी बातें थी जो सिद्धार्थ को सबसे अलग बनाती थी। दोस्तों जब सिद्धार्थ केवल 16 साल के थे तब उनकी विवाह राजकुमारी यशोधरा से करवा दी गई थी, और दोस्तों इसी समय से वो काफी ज्यादा धार्मिक सवालों के जवाब ढूंढने निकल पड़े। और फिर जब वो अपने युवा अवस्था में निकलकर जब बाहर उन्होंने देखा कि उनकी इस यात्रा में बीमारी, बुढ़ापा और सांस्कृतिक की तरह बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने जानी जिसके बारे में उनको बिल्कुल भी नहीं पता था। और दोस्तों इसके बाद उन्होंने अपने पिता के विरुद्ध एक रात महल छोड़ने का निर्णय किया, और उन्होंने बाहर आकर सोचा कि मैं एक दिन दिव्य ज्ञान प्राप्त करूंगा। और दोस्तों यहीं से शुरू हो गई सिद्धार्थ गौतम की गौतम बुद्ध तक की यात्रा। दोस्तों वो जब महल से निकले तब वो एक नदी पर जाकर उन्होंने सबसे पहले अपने बाल कटवाए, और फिर साधु के कपड़ों में आ गए, और इसके बाद वो राजा गांव पहुंचे और वहां पर भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। दोस्तों उस समय भिक्षा मांगते समय मगध के राजा के लोगों ने सिद्धार्थ को पहचान लिया, और दोस्तों जब उन्हें महल में उन्होंने इन सभी सुखों का त्याग कर अपने मार्ग पर वो दोबारा से चल पड़े। दोस्तों उन्होंने जाने माने दो योग और मेडिटेशन से दो टीचर से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, और दोस्तों काफी लंबी तपस्या के बाद उन्होंने सही तरीके से ध्यान लगाना भी सीख लिया।
और बोध गया पहुंच कर उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने लगातार जब 49 दिन तक अपने दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश की, तब जाकर उन्हें ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। और दोस्तों ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस समय गौतम बुद्ध जी की उम्र 35 साल थी, और इसके बाद से ही उन्होंने 80 साल की उम्र तक ये प्रसार प्रसार करना शुरू कर दिया। और दोस्तों इस दौरान उन्होंने अपने साथ बहुत सारे निर्देशक भी बनाए जो उनके दिव्य मार्ग पर चलते रहे। और दोस्तों आज का समय भी देखा जाए तो गौतम बुद्ध जी को जाने वाले करोड़ों में जाने जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आता रहता हूँ। आपका ये बहुमूल्य वक्त देने के लिए बहुत बहुत